कभी यदि हमसे कोई पूछे कि इस दुनिया को किसने बिगाड़ा, तो उसका एक बेहतर आंसर ये हो सकता है, इंसान और इंसानी सोच ने बिगाड़ा। हर दिन हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं हम अपने पूरे वातावरण में वो विषाक्तता, वो विष, वो जहर घोल रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदूषण है। यूँ भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और अन्य प्रकार के प्रदूषणों को लेकर के हम चिंतित हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते अपने विचार प्रदूषण के बारे में। हर दिन सुबह चाय की वो प्याली जो हमारे सामने आती है, अपने साथ उस प्रदूषण के कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स को अपने साथ लेकर के आती है। जब हम अपने साथ चार लोगों के साथ बैठ करके कुछ उन चीज़ों पर चर्चाएँ करनी शुरू कर देते हैं जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राजनीतिक मुद्दे हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बॉस हो, हर किसी की उस नकारात्मक चर्चा में हमको काफ़ी रुचि आती है। इसे एक रस का भी नाम दिया गया है, जिस रस को अगर आप देखें तो क्लास में कभी ग्रुप हुए तो पढ़ाई को लेकर के चर्चाएं काफ़ी मुश्किल से होंगी, लेकिन किसी की निंदा अगर करनी हो तो निंदा रस का पान बहुत हम आसानी से कर लेते हैं। इसको विटामिन एन भी कहा गया है, जिसका सेवन करना लोग अपने लिए बहुत ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि इवन भोजन के समय तक में वो भोजन से विटामिन कैलोरीज को लेने पर फोकस नहीं होते, बल्कि विटामिन एन के सेवन के लिए वो अपनी विशेष व्यवस्थाएँ बनाए रखते हैं। इसके बिना कई लोगों को नींद भी नहीं आती और कई लोगों का भोजन भी हजम नहीं होता। दिन भर में अगर वो निंदा रस का पान न करें तो शायद उन्हें दिन भर में अजीब सी बेचैनी भी होती है। हम यदि खुद को देखें तो इस विटामिन एन या निंदा रस ने हमारी ज़िंदगी की मैक्सिमम ऊर्जा को व्यर्थ किया है। ज़रूरी है कि इससे अपने आप को हम कष्ट पहुँचाएँ ना पहुँचाएँ, लेकिन दूसरों का हम बहुत अहित करते हैं। हम सभी को चाहिए कि हम निंदा रस के पान से बचें। सेनो टू विटामिन एन, निंदा रस के पान से बचें, यही अपने लिए बेहतर होगा, क्योंकि कहीं उस निंदा रस के घोल में कहीं हम खुद अगर घुल गए, ज़िंदगी बीत जाएगी लेकिन हम खुद को सुधार नहीं पाएंगे। सेनो टू विटामिन एन, राइट नाउ।